नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे एबीपीएस न्यूज। बहजोई स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम व एसपी ने 12 बफा समेत आगामी त्योहारों को लेकर धर्मगुरुओं के साथ बैठक की। संबल बदायूं विलसी नगर के बाबा इंटरनेशनल स्कूल में महिला सशक्तिकरण विषय पर कक्षा 9 से 12 तक की छात्रों को जागरूक किया गया। बाराबंकी किसान यूनियन टिकैत की मासिक बैठक कल जिला कार्यालय गोकुल नगर में जिला अध्यक्ष अनिल वर्मा की अध्यक्षता में हुई। संबल बहजोई कोतवाली पुलिस के नगर गली मोहल्ले में महिला जागरूकता रैली निकालकर महिलाओं व शिक्षा व उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। अलीगढ़ जनता की जंग जिला के गांव सहागढ़ में सेवा पैलेस पर बुधवार को अमर शहीद गिरधारी लाल गोस्वामी का 25वां वार्षिक स्मृति दिवस मनाया गया। आगरा महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए प्रदेश के हर जिले के हर थाने की पुलिस को अपने क्षेत्र के गांव की हर महिला व बेटी को सरकार द्वारा चलाई जा रही टोल फ्री हेल्पलाइन व महिला सहायता डेस्क के प्रति जागरूक करने के लिए स्थानीय पुलिस। बदायूं जनता की जंग नगर पालिका परिषद बदायूं की माननीय अध्यक्षा दीपमाला गोयल द्वारा प्राथमिक विद्यालय पड़ोलिया विकास खंड सलारपुर में विद्यालय की छात्रों को माताओं अभिभावकों को मिशन शक्ति के अंतर्गत घरेलू हिंसा के प्रति जागरूक किया तथा स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रेरित किया। ग्राम बाजपुर में महिला सशक्तिकरण के बारे में महिलाओं को जानकारी देते हुए सीओ महोदय सहसवान एसएचओ महोदय सहसवान एवं महिला आरक्षी बिमलेश। बदायूं उप केंद्र झुक्सा विकास खंड समरेर में प्रसव केंद्र का उद्घाटन माननीय विधायक जी के बड़े भाई डॉक्टर अरविंद जी के द्वारा किया गया। अलीगढ़ अकराबाद थाना क्षेत्र के गांव नगला रिशाल दार के पास खेत की रखवाली कर रहे एक युवक को अनियंत्रित बाइक ने टक्कर मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। लखनऊ जनता की जंग आप माने या ना माने अगर गोमती नगर लखनऊ के बाहर के रहने वाले हैं और खुशबू के शौकीन हैं तो आज कल सायंकाल आपको गोमती नगर के अति विख्यात चौराहे कैप्टन मनोज पांडे पत्रकार पुरम मलिक टिम्बर पुराना नाम शहीद भगत सिंह चौराया व पुराना नाम हुशड़िया चंद्रशेखर आजाद चौराहे मध्य अवश्य पैदल साइकिल ट्रैक पर टहलना चाहिए। बदायूं राजकीय कन्या आश्रम पद्धति विद्यालय समरेर बदायूं में मिशन शक्ति अभियान की संकल्पना को साकार करने के उद्देश्य के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शेषवान पूर्व पालिका अध्यक्ष नूरुद्दीन ने कहा उनकी मरगढ़ कब्रिस्तान सरकारी भूमि को सरकार के सुपुर्द कराए जाने का जो निर्णय पालिका अध्यक्ष पद पर रहते हुए प्रारंभ किया था। बदायूं पशु चिकित्सालय सदर लालपुर जनपद बदायूं व मिशन शक्ति के अंतर्गत मुख्य विकास अधिकारी महोदया द्वारा आत्मा योजना के अंतर्गत व 5 महिलाओं को 10 किलोग्राम बरसीन 54 किलो यूरिया व 50 किलो डीएपी व 5 किलो दीमक मारने का पाउडर दिया गया। संबल बदायूं स्थित रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद पुलिस कर्मियों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। संबल की मंडी समिति में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के पदाधिकारियों ने धान खरीद से खफा होकर विरोध प्रदर्शन किया है। बदायूं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा जनपद बदायूं द्वारा पुलिस शहीद दिवस पर पुलिस लाइन बदायूं परेड ग्राउंड में शहीद पुलिस कर्मियों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इतिहास में आज भारत के चंद्रयान 1 की सफल लॉन्चिंग देश को मिला भागड़ा नागल बांध। कोरोना देश में बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी को कोरोना डेटा चोरी के बाद वैक्सीन बना रही डॉक्टर रेड्डीज के प्लांट बंद। वीजा पाबंदियों में ढील विदेशी छात्रों और कारोबारियों को विदेश आने की इजाजत टूरिस्ट वीजा पर रोक जारी। भाजपा की बंगाल पर नजर मोदी ने दुर्गा पूजा में कहा बंगाल ने देश को हमेशा रास्ता दिखाया महापुरुषों ने शस्त्र शास्त्र से सेवा की है। बिहार चुनाव के लिए भाजपा के 11 संकल्प सभी को कोरोना का टीका उपलब्ध कराने का वादा किया। पीएम मोदी ने साहब को दी जन्मदिन की बधाई बोले देश देख रहा है राष्ट्र की प्रगति के प्रति आपका समर्पण। बिहार में भाजपा का घोषणा पत्र जुमला 19 लाख रोजगार का लेकिन सीधे तौर पर सिर्फ 4 लाख सरकारी नौकरियों का वादा। भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 55 लाख 839 नए मामले 702 मरीज ने गवाई अपनी जान।